कर दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफॉल्ट बेल की। डिफॉल्ट बेल एक ऐसी प्रावधान है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसमें कि कोई भी एक्यूज्ड जो कि इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा है उसको उसको कंपलसरी बेल देनी ही पड़ेगी। अब जैसे कि इसका नाम है डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल का मतलब हुआ कि बेल देनी ही पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट बेल देनी पड़ेगी। तो कैसी परिस्थिति होती है, देखिए, जब भी कोई एक्यूज्ड जिसके खिलाफ, मतलब कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी उनको चार्जशीट नहीं किया गया है। चार्जशीट होता है जब पुलिस कोर्ट में अपनी है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी और अक्यूज्ड को हम गिल्टी पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चार्जशीट। तो ये चार्जशीट जो होती है पुलिस को 10 साल के जो ऑफेंसेस होते हैं, जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट 10 साल की है, उस वैसे ऑफेंसेस में पुलिस को 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर अरेस्ट होने से 60 दिनों के अंदर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती तो अक्यूज्ड को राइट है टू गेट बेल। तो अगर 10 साल की सज़ा है किसी ऑफेंस में और उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस अगर 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती तो एक्यूज्ड को कंपलसरली रिलीज़ करना पड़ेगा ऑन डिफ़ॉल्ट बेल। और अगर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, फॉर एग्जांपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या कैपिटल पनिशमेंट है, मतलब पनिशमेंट बाय डेथ, तो इन दैट केस 90 दिनों का टाइम होता है। तो अगर किसी एक्यूज्ड को पुलिस अरेस्ट करती है फॉर इन्वेस्टिगेशन, कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए, तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास उसे 60 दिनों के लिए रख सकती है अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं करती। अगर वो चार्जशीट फाइल कर देती है तो फिर डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी, पर अगर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है 60 दिनों में 10 साल की सज़ा वाले ऑफेंसेज में और 10 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंसेज में, 90 दिनों के अंदर अगर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो डिफॉल्ट बेल मिलती है। अब ये जो डिफॉल्ट बेल पे एक्यूज रिलीज होता है, ये बेल कैंसिल भी हो सकती है अगर एक्यूज विटनेसेस को इंटीमिडेट करता है या अगर बेल की किसी कंडीशन, जैसे कि अगर बेल में कंडीशन है कि एक्यूज को पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है, जब भी उसे थाने में बुलाया गया है उसे जाना है, अगर ऐसी किसी कंडीशन को नहीं मानता है या वो विटनेसेस को या एविडेंसेस को टैम्पर करता है या इंटीमिडेट करता है, तो इन सच सिनेरियो डिफॉल्ट बेल कैंसिल हो सकती है। तो ये था डिफॉल्ट बेल के बारे। अगर आपको लगता है इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट, और हमारे इसी चैनल पे हम ऐसे ही इश्यूज़ के बारे डिस्कस करते हैं ताकि एक जनरल अवेयरनेस रहे लॉ के बारे। और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ और ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।